कटिहार जिले के ऐतिहासिक मंदिर बाबा गोरखनाथ धाम में सावन का पहला सोमवारी को लेकर आजमनगर प्रखंड स्थित बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। श्रद्धालु मंदिर पहुंच लाइन में खड़े होकर इंतजार करते देखे गए। वहीं श्रद्धालु फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, घी आदि लेकर बाबा के दरबार पहुंचे और भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगी। बता दें कि गोरखनाथ धाम मंदिर में श्वेत शिवलिंग स्थापित है, जिसकी चर्चा दूर दराज तक होती है। वहीं मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना करने से सारी मन्नतें पूरी होती है। इसको लेकर आज सावन की पहली सोमवारी में लोगों का तांता लगा रहा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी के पदेन अध्यक्ष सावर सेई SDM दीक्षित, श्वेताम बारसोई DSP, अजय कुमार विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती देखी गई। साथ ही साथ मंदिर परिसर में 15 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मंदिर कमेटी के सभी मेंबर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र तैनात दिखे। एकाउंट का काम किया है बाबा, आपसे खुश रखे, आपकी सारी मनोकामना, आप तमाम शिव भक्तों का काम किया है बाबा, आपसे खुश रखे, आपकी सारी मनोकामना। देखिए, सावन का पहला सोमवारी है और हर साल के भांति इस साल भी जो है शिव भक्तों के अंदर इस साल एक गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 3 बजे भोर से ही लोग जो है लाइन में लग गए थे। 5 बजे जब मंदिर खुला तो सैकड़ों के संख्या में लोग लाइन में खड़े थे और बाबा को जल चढ़ाने के लिए व्याकुल थे। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे और मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा क्या व्यवस्था? देखिए, इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं हमारे अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी साहब, DSP साहब, इस सारे लोग जो है सुबह से ही जो मुस्तैद थे यहाँ पर, और सारे पदाधिकारी का जो जो था सारे लोग थे, स्वास्थ्य का, उसके बाद आपका पेयजल का, सफाई का, ये सब चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, ये बाबा का जो है करिश्मा है जो हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो है बढ़ोतरी हो रहा है। ये जब उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा, तो भक्तगण भी दिल से अपने आते हैं और अपना पूरे परिवार के साथ आके बाबा को जल अर्पित करते हैं और अपना जो चाहे मनोकामना वो मांगते हैं और बाबा उसको पूर्ण करते हैं।